देखें आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप अपने जिंदगी में अगर इस तरह के टूर्नामेंट को आप देख लेते हैं, निश्चित रूप से आपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी गण भी आए हुए हैं इन दर्शक मंडियों में, बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत लोगों से मैंने जानकारी लिया है, बहुत लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए स्पेशल शेयर लेकर के छुट्टी लेकर के यहाँ आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये फुटबॉल ही नहीं है, एक फुटबॉल का महापर्व हम लोग कह सकते हैं। पहला शॉट और गोल कीपर भुवनेश्वर हांसदा ने बहुत ही सुंदर अपने जगह को पहले ही कवर किया हुआ था और अच्छा से, और पहला शॉट को रोक लिया है। और ऐसे में परेशानी शुरुआती समय में ही एक तरह से यहां पहला शॉट मिस होने के बाद सुंदरगढ़ उड़ीसा की टीम को एक बार से मौका मिलता हुआ, एक और सुंदरगढ़ उड़ीसा को हम लोग देख पाएंगे। माँ कोचिंग सेंटर सुंदरगढ़ उड़ीसा अगला मैच खेल ले जहां वीरभूम वेस्ट बंगाल के सामने आज के आखिरी मुकाबला में हमने सामने होंगे। और इस बार पहला शॉट लेने के लिए सुंदरगढ़ उड़ीसा ब्लू राइडर्स एफसी सुंदरगढ़ पहला शॉट। जैसे नंबर 9 टीम के कैप्टन रामचंद्र है रन शॉट के लिए इस बार। और बहुत ही सुंदर गोल, और इस तरह से एक अच्छा इस मुकाबले में ओपनिंग बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके बाद दोनों तरफ से चार खिलाड़ी बच गए हैं। रेगुलर जो मैंडेटरी जो ड्राइवर कर में शॉट लेंगे। और आप देख पा रहे हैं इस समय हमारे साजन बेड़ा क्लब के सभी अधिकारी निरीक्षण करते हुए ब्रह्मदेव सोरेन जो कि प्रेसिडेंट हैं साजन बेड़ा क्लब के, गणेशन सोरेन जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, राजेश सोरेन सेक्रेटरी साजन बेड़ा क्लब जो कि इस समय आप देख रहे हैं लीड करते हुए, साथ ही साथ अमर हेमरम क्लब के संयोजक पप्पू दा जुनास मरंडी जी, साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी मार्टिन किस्को जी, निक्सन जी, सुलेमान दा, और इस तरह से घाटो रामगढ़ सेकेंड शॉट सेकेंड गोल। घाटो रामगढ़ की टीम इस वक्त दूसरे खिलाड़ी ने आखिरकार अपने टीम की जो मोरल है उसको एक बार फिर से वापसी दिलाते हुए, मगर अभी भी ब्लू राइडर्स एफसी सुंदरगढ़ से कोई सेकेंड खिलाड़ी तीन का शॉट लगा बा। और सेकंड शॉट तीन नंबर जैसे हरों का खिलाड़ी विशाल सोना, और बहुत ही सुंदर गोलकीपर को पूरी तरह से चकमा दिया विशाल सोना ने। और अभी भी ब्लू राइडर्स एफसी सुंदरगढ़ उड़ीसा की टीम पर हक में है, दो खिलाड़ी में दोनों गोल हो चुका है। अगली मैच खेलने में अब तैयारी धीरे धीरे हो चुकी है, इस समय फोर्थ ऑफिशियल बॉक्स में आप देख रहे हैं वहां दोनों टीम के खिलाड़ी इस समय तैयार होते हुए। और अब की बार देखना पड़ेगा यहां से 11 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी इस तरीके से उनका प्रदर्शन होगा। हर्षित
और इस तरह से ये मिस हर्षित ने भी अपने टीम को निराश किया है। ये था चिलकना शॉट लगा बात खिलाड़ी और जाटो रामगढ़ लगातार ये तीसरा मिस, चार खिलाड़ी में एक मात्र गोल और यहां से एक मौका यानी कि यहां से गोल तो सेमीफाइनल को क्वालिफाई कर लेंगे ये टीम। एक डिसीजन शॉट, निर्णायक शॉट सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए। और फिनिशिंग शॉट के लिए क्या ये खिलाड़ी हीरो साबित होंगे? नौ खिलाड़ी इधर गोलेघर घाट सुंदरगढ़ उड़ीसा सेमीफाइनल रायपुर रामगढ़ दुमका सुने कपाकू गतिया ये रायपुर सुशा चिलकना शॉट लगा और ये गोल सुंदर फिनिशिंग और इस तरह से ब्लू राइडर्स एफसी सुंदरगढ़ उड़ीसा की टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। और इस तरह से घाटों रामगढ़ रांची की टीम इस दूसरे दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर।